नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया इसे ध्यान से समझिए और मेरी मदद कीजिए दूसरों तक पहुंचाने में। कोरोना में डर सिर्फ एक बात से है, असावधानी, अज्ञानता। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से समझिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे ना समझा तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसे मैं समझाना चाहता हूँ। हमारा देश 21 दिन के लॉकडाउन में है। लॉकडाउन का मतलब क्या है और लॉकडाउन से फ़ायदा क्या है, और लॉकडाउन अगर हमने ढंग से पालन नहीं किया तो इससे नुकसान क्या हो सकता है, ये तीन बिंदु ही मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन, इसकी आवश्यकता क्या है। कोरोना वायरस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, उसका अनुमान, उसको हम विजुअलाइज, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो जो लोग भी इसके कैरियर है वो इसे फैलाते रहेंगे। हमें नहीं पता है कैरियर कौन है, हो सकता है हम में से भी कोई कैरियर हो, क्योंकि अधिकांश कैरियर्स को, 80% लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। अनजाने में ही अपने परिवार वालों को, मित्रों को, अपने बुजुर्गों में वो फैला सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। मान लीजिए आज भारत में अगर 1,00,000 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग है, क्या होगा? हो सकता है 2-3-4 हज़ार लोग मर जाएं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है उन 1,00,000 में से लगभग 70-80 हज़ार लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है, और अगले 14-15-20 दिन तक वो लोग दूसरों को फैलाते रहेंगे, और वो जिनको फैलाएंगे वो और आगे दूसरों को फैलाते रहेंगे। ये 1,00,000 से कब 10,00,000 और कब करोड़ों में हो जाएगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यही गलती दूसरे देशों ने की है, इससे हमें बचना है, इसीलिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब घरों में, ऐसा नहीं कि आपका अपार्टमेंट में आपको घूमने की पूरी आज़ादी है तो आप कहीं भी घूम रहे हैं। आपको नहीं पता है आपके अपार्टमेंट में कौन संक्रमित है, और उसे भी नहीं पता है, और कब ये अपार्टमेंट में फैल जाएगा आपको नहीं पता होगा। 100 में, अगर आपके अपार्टमेंट में 100 लोग हैं, 2-3 लोग मर जाएंगे। इसलिए प्लीज़ इसको समझिए, घर का मतलब घर में, फ्लैट में, और अगर आपको बाहर जाना है बिल्कुल अकेले, घर में सिर्फ एक व्यक्ति, ज़रूरी काम हो तो ही, ज़रूरी सामान लाना हो तो ही, छत पे वगैरह भी जाए अकेले जाए, और अगर 1-2 लोग साथ में हैं तो पूरी दूरी मेंटेन रखें, फोमाइट्स का ध्यान रखें। फोमाइट्स क्या होती है? कोरोना वायरस सिर्फ इंसान से नहीं फैलता है, कोरोना वायरस बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी आपके घर में आ सकता है, आपके शरीर में आ सकता है। क्या है वो चीज़? आपका मोबाइल फ़ोन, आपका पर्स, करेंसी नोट, रुपए पैसे, उसके ऊपर कोरोना वायरस कुछ समय तक रह सकता है, कुछ दिनों तक रह सकता है। और आपका चश्मा, आपकी चाबी, आपका, आपके कपड़े, ये सारी चीज़ें, इनको फोमाइट्स बोलते हैं। जूते, घड़ी, जो भी चीज़ हो, जैसे ही आप बाहर जाकर वापस आए, ये सारी चीज़ों को बदलना है। घर में आने के बाद स्नान करना है, अपने कपड़े बदलने हैं, और आपका पर्स, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, सबको एक तरफ रख कर सैनिटाइज़ करना है। स्पिरिट लीजिए या कुछ भी आप सैनिटाइज़र लीजिए और उसको रुई से अच्छे से साफ़ कीजिए, फिर अपने हाथ धोइए। घर में कुछ सामान ला रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज़ कीजिए। गर्म पानी में अपनी सब्जियां, फ्रूट्स एक बार डाल दीजिए, नमक के पानी में डाल दीजिए, दूध की थैली वगैरह है तो अच्छे से साफ़ करके गर्म पानी में डाल के निकाल दीजिए, वायरस मर जाएगा। सब्जियां, फ्रूट्स खाना छोड़ना नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी है। अपने घर के बाहर आपका डोरबेल का बटन, आपके घर के दरवाजे की नॉब, आपके लिफ्ट और सीढ़ियों की रेलिंग, इन सब पे कोरोना वायरस होने की संभावना है। आपको लगता है नहीं है, लेकिन हो सकती है। अपने बच्चों को पड़ोस में खेलने मत भेजिए, आपको नहीं पता ये कहाँ किसको है। और वो सभी लोग जो किसी न किसी तरीके से बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्शन में हैं, जैसे कि कोई वॉचमैन हो गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, मंदिर में पुजारी हो गए, पादरी हो गए, मौलवी हो गए, जो ज़्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट में है, उनके पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। और समस्या ये है कि उनको भी पता नहीं है कि वो खुद संक्रमित है। यही कोरोना से आप मरेंगे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आप कई लोगों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यही इसका चैलेंज है, और इसीलिए लॉकडाउन के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। हम ये कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। न तो इतने किट है, न इतने टेस्ट हो सकते हैं, और न इतने टेस्ट की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अगर हमने 21 दिन का लॉकडाउन अच्छे से पालन कर लिया तो हम बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ जाएंगे। देखिए, एक बार और समझ लीजिए, कोरोना एक दीमक की तरह, दीमक, टर्माइट, दीमक आपके घर में आता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे ही दीमक आता है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, आपके घर का फर्नीचर ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में।
यही करेगा कोरोना भी। अगर हमने इसको छोड़ दिया, कुछ लोग हैं जो उसको अभी भी सोच रहे हैं कि हम हल्के में ले लेंगे, कुछ लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये किसी ने बना के फैलाया है, अरे किसी ने भी फैलाया हो, फंसने वाले तो हम हैं ना, अगर आप उसको संभालोगे नहीं घर तो आपका बर्बाद होगा, हो सकता है घर पूरा ना जाए, फर्नीचर तो चला जाएगा, हम सब लोग मरेंगे नहीं, देश 21 साल पीछे चला जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है अगर हमने 21 दिन नहीं संभाले तो इसलिए क्वारंटाइन ज़रूरी है। प्लीज़ इसको अक्षरशः पालन कीजिए, अगर आप वॉलंटियर भी है तो प्लीज़ प्रॉपर प्रशिक्षण लीजिए, एंथुजियाज़म में बाहर जाकर लोगों की मदद करना अच्छी बात है, जितना हो सके फ़ोन पर कीजिए, और बाहर जाना है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रशासन ने पूछा है तो मदद कीजिए, लेकिन सावधानी पूरी बरतिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मदद करने उतर रहा है वो एक पोटेंशियल कैरियर बन सकता है, वो खुद फैला सकता है, मरेंगे नहीं लेकिन दूसरों में फैल जाएगा, इसलिए सावधानी रखिए। एक और बात आती है कि अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो हो सकता है ये 21 दिन का क्वारंटाइन, 21 दिन का लॉकडाउन और 21 दिन बढ़ जाए, उसके आगे और बढ़ जाए, देश पीछे जाता रहेगा, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती रहेगी, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा, गरीब लोगों में तकलीफ होती रहेगी, सोशल डिसरेस्ट आएगा, अनरेस्ट आएगा, सोशल अनरेस्ट आएगा, इसलिए प्लीज़ ये 21 दिन संभलिए, ये 21 दिन नादानी मत कीजिए, इस 21 दिन अपनी होशियारी मत कीजिए। और एक और चीज़ को मैं वार्न करना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो, कुछ फेक डॉक्टर जिन्होंने साइंस का ABCD नहीं पढ़ा है, और मुझे दुख है कि मैं ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा है क्योंकि वो ऐसी बातें फैला रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है, और ऐसा करने से बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, भारी पड़ जाएगा, प्लीज़ समझिए, डरना नहीं है, लेकिन असावधानी बहुत भारी पड़ेगी। ऐसे किसी भी वीडियो को, ऐसे कोई भी डॉक्टर जो बोलते हैं हम ठीक कर देंगे, आप इतना जूस पी लीजिए, इतना नींबू खा लीजिए, इतना ये कर लीजिए, देखिए इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ने से आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन आप कैरियर बन सकते हैं, आप दूसरों में फैला सकते हैं, हल्के में लेने वाली बात नहीं है। ऐसे सारे वीडियोज़ को रिपोर्ट कीजिए, ऐसे सारे वीडियोज़ की कंप्लेन कीजिए, आप वो देश सेवा नहीं कर रहे हैं, वो मूर्खता कर रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को, इस मैसेज को आप मेरा नाम हटा दीजिए, मैं इसको कॉमन क्रिएटिव में डाल दूंगा यूट्यूब में, आप चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो को अपलोड करके फैलाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जैसे भी हो सके इस मैसेज को फैलाइए, 10 लोगों को, 15 लोगों को फ़ोन पे समझाइए कि घर के अंदर कैसे रहना है, कैसे अपने हाथ धोने हैं, तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसे जितना हो सकता है आगे फैलाइए, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस पे और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल डॉक्टर विवेक मोदी जो यूट्यूब पे है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।